हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि एक पंजाबी सॉन्ग है। हाँ, मैं एन्ना तनु चाऊं दिया ऐसा कुछ है, तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है। एंड उसमें जो एक्ट्रेस हैं उनका मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा था, सो आई थॉट क्यों ना मैं इसको रिक्रिएट करूँ एंड आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सो अगर पसंद आए दैन लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट गेट स्टार्टेड। एंड आप सोच रहे हो मैं नहा क्यों रही हूँ, एक्चुअली मैं घर के बाहर थोड़ा सा टहल रही हूँ, शाम के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड शाम के टाइम मैं थोड़ा सा टहलती हूँ। एंड या मेरे पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज आज मैं सोच रही हूँ रात तक इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, बिकॉज कल ये मेरा फ़ोन चला जाएगा। मेरे फ़ोन में कुछ डिस्प्ले ख़राब हो गया है, तो वो सही होने के लिए तो मुझे घिसा पिटा सा मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा, तब तक ये ठीक नहीं होके आ जाता। इस वजह से मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को डाल दूँ, बिकॉज 3-4 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं डाली है। दैट्स वाई ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बेसिकली मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने बेस मेकअप के लिए, वही सारा मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। लैक्मे का प्राइमर, देन मेबलिन का कंसीलर एंड देन मेबलिन का फाउंडेशन एंड देन मेबलिन का कॉम्पैक्ट, सारा कुछ सेट कर दिया, तो इसमें कुछ खास नहीं है। मैं हरी मेकअप में वही यूज़ करती हूँ। एंड मैं लेने के लिए और भी ले सकती हूँ, बट मुझे लगता है मेरी स्किन पे वो ठीक जाते हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ अपनी स्किन के साथ। इस वजह से मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ एंड सच में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। कंसीलर तो जस्ट लविंग इट, बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे मैंने मेबलिन का कंसीलर लगाया है, उसको अच्छे से उंगलियों के हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश से भी कर लें, बट स्पॉन्ज से वो उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, सो मैं यहाँ फिंगर से ही ब्लेंड कर दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ, उसको मैं स्पॉन्ज की हेल्प से अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी। एंड जो हमेशा ना आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आपको अपने चेहरे पर नहीं लगाना है, वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी दिखने लगता है। तो आप पहले जैसे कि आप क्रीम लगाते हैं अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, उस तरीके से फाउंडेशन लें। उसके बाद अगर आपको कम लग रहा है तो आप दोबारा से आप लगा सकते हैं, बट एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए है तो थोड़ा सा ही लगाएं। सो मैं तो यही प्रेफर करूँगी एंड मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा लेयर पे लेयर नहीं चढ़ाती हूँ। जितना हो सके मैं लाइट रखने की कोशिश करती हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है एंड नेचुरल भी दिखता है। सो मैं यहाँ पे उसको फाउंडेशन को स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अपने चीक्स पे, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा और लेके लगा ले रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको गले पे भी लगाना है, कानों पे भी लगाना है थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेशन, ताकि वो इवन लगे। क्योंकि होता है ना, कान फिर अलग से दिखते हैं, तो कानों पे भी थोड़ा सा लगाना है ताकि पूरी स्किन जो है वो आपकी ईवन लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ, तो सबसे पहले आइज़ पे करूँगी, नोज़ के अराउंड करूँगी, माउथ के अराउंड करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत जल्दी क्रीज पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट करूँगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट को लेके फोरहेड एंड चिक्स पे कर लूँगी एंड गले पे भी कर लूँगी। सो इस तरीके से मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रोज फिल कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। एंड प्लीज़ इग्नोर माय आईब्रोज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं एंड इस समय मैं सैलून बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ सैलून, एंड जाना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे कोरोना में, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली। सो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आईब्रोज़ को अपने थोड़ा सा कंसीलर लेके लगा रही हूँ आईब्रोज़ के नीचे, आईलिड के ऊपर, ताकि थोड़ी डिफाइन लगे एंड जो छोटे छोटे से हेयर्स अगर है ना वो छुप जाए। नाउ मैं यहाँ पे पीच कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसको मैं अपनी पूरी आईलिड पे एंड आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस करते हुए सर्कुलर मोशन में पूरे आईलिड पे लगाऊंगी। एंड जब तक लगाऊंगी जब तक कि मुझे अपना जो पिक्चर मुझे जिसको देख के मैं कर रही हूँ उसके तरीके से मुझे कलर डार्क नहीं मिल जाता। तो मैंने यहाँ पे पीच कलर का आई शेडो लिया है एंड उसको बस मैं लगाती जा रही हूँ, ब्लेंड करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, ब्लेंड करती जा रही हूँ।
ओके नाउ मैं यहाँ पे काजल ले रही हूँ, जिसको मैं अपने लेस लाइन के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ एंड देन उसको स्मोक आउट करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। तो इस तरीके का यू नो स्मोकी काजल काफ़ी अच्छा लगता है एंड जब आप फॉल्सेस के साथ करते हैं तब तो अमेजिंग लगता है। सो या इस तरीके से मैं करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक में ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। मेरा फिर भी काफ़ी मोटा हो गया था बिकॉज ब्रश थोड़ा सा यू नो ब्रॉड था तो इस वजह से। बट आप कोशिश करें बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल बहुत कम ही मोटा हो। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड या जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो वो सही होगा, तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। देखती हूँ कितना टाइम लगता है देन फिर मैं बनाऊँगी वीडियो देन अपलोड करूँगी। तो उतने दिन तक आई एम सो सॉरी बट मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोगों के साथ में, बट आप लोग मुझे भूलना नहीं। उसके बाद मेरी भाभी भी आ रही हैं, तो मतलब भाभी भैया एंड भतीजी, तो फिर देखती हूँ मैं कैसा क्या मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ या नहीं। तो मे बी शायद कर पाऊँ, मे बी शायद ना कर पाऊँ। सो लेट्स सी कितने दिन तक। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज़ पे कर लिया है, देन मैं पीच कलर को थोड़ा सा अपने लोअर लेस लाइन पे भी लगा रही हूँ, जो काजल स्मोक आउट किया है उसके नीचे 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 भी मैंने थोड़ा सा काजल लगा के उसको भी स्मोक आउट किया है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं बातों में लग गई तो बताने भूल गई ना। मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ जो कि काफ़ी सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा सी, बिकॉज़ जब आप फाउंडेशन लगा लेते हैं तो बिल्कुल फीचर्स आपके छिप जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स पे एंड फोरहेड पे एंड जॉ लाइन पे भी मैं लगाऊंगी, नोज़ पे भी लगाऊंगी थोड़ा सा यू नो डिफाइन देने के लिए अपने फेस को। तो इस तरीके से मैं ब्रॉन्जर को लगाऊंगी एंड काफ़ी अच्छे से यू नो फेस दिखने लगता है आफ्टर ब्रॉन्जिंग। मुझे काफ़ी पसंद आया ब्रॉन्जिंग का ये प्रोडक्ट एंड मुझे अच्छा लगता है ब्रॉन्जिंग पे अपना चेहरा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। नाउ मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ जो कि वही आई शेडो पैलेट से मैंने पीच कलर को एज अ ब्लश लगा लिया है, बिकॉज इस मेकअप में सारा कुछ पीच पीच था, लाइक आई शेडो एंड ब्लश एंड लिपस्टिक सारा कुछ पीच था। तो इस तरीके से मैंने भी करने की कोशिश करी है, तो नोज़ पे भी लगा लिया है एंड अपने दोनों चीक्स पे एंड चिन पे सब जगह अच्छे से ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं मेबलिन के न्यू शेड में लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है एंड काफ़ी उनके लिपस्टिक से मिल रहा था कलर, दैट्स वाई मैंने इसको लगाया। सो बस इसके बाद मैंने क्या किया आप लोग देख लो क्या किया, मैं भूल जाती हूँ। इसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया सारा कुछ एंड इसको सुखा लिया। इसके बाद मैंने फॉल्सेस लगाई थी एक्चुअली में, सो हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। माई मेकअप इज़ कम्प्लीट एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि मैं थोड़ा बहुत भी उनकी जैसा अचीव कर पाई हूँ या नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।